हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडिशनल जायका में। आज हम मटन बनाएंगे बिल्कुल देसी तरीके से। इसके लिए मैंने 1 केजी मटन लिया है, इसके साथ ही ये पीस लिया है चुस्ता का। इसे हम अच्छे से गर्म पानी से धो लेंगे। तो पहले साफ कर लेते हैं इन सबको। मटन को हमने अच्छी तरीके से धोकर साफ कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लेते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल मिला लेते हैं। नमक इसमें अभी हम नहीं डालेंगे, वरना ये बहुत पानी छोड़ देगा। मिला लेते हैं इन सबको अच्छी तरीके से। सारे मसालों को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब इसे 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। हल्दी और तेल मिलाने से मैरिनेशन का टाइम अगर ज़्यादा भी हो जाए तो हमारा मटन खराब नहीं होगा। मटन में डालने के लिए हमने 750 ग्राम प्याज को छील कर ले लिया है। इसे रफली चॉप कर लेंगे। मटन में डालने के लिए हमने 3 गांठें लहसुन की छील कर ले ली हैं। इन्हें अच्छे से धो लिया है। 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अदरक और आधे लहसुन को हम मिक्सी जार में डालेंगे और आधे लहसुन को हम खड़ा ही यूज करेंगे। डाल लेते हैं 1/2 छोटे चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा पानी डालकर इसका बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। 5 से 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो रहा है। तड़के में डालने के लिए हमने 15 से 20 काली मिर्च लिया है, 1/2 छोटे चम्मच शाही जीरा ले लिया है। अगर आपके पास है तो जरूर डालें, अगर नहीं है तो नॉर्मल जीरा डालें। शाही जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बड़ी इलायची को इस तरह से हल्का कूट कर ले लिया है। 2 हरी इलायची लिया है, 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं और 1 जावित्री ले लिया है। तेल गर्म हो चुका है, डाल देते हैं इसमें कुछ तेज पत्ते डाल लेंगे। अब इसमें कटे हुए प्याज डाल लेंगे। हमने 1 मिनट भून लिया है। अब इसमें जो खड़े लहसुन थे वो इसमें डाल लेते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम के लिए कुछ गांठे लहसुन की मैंने धोकर अच्छे से साफ कर ली है। इसे भी डाल देते हैं, इसके साथ ये भी पक जाएगा। आधा छोटे चम्मच और हल्दी पाउडर मिला लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर हमने पहले भी डाला था, थोड़ा सा 1/2 छोटे चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर मिला। इसी समय हमने लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था उसे भी डाल लेते हैं। इस समय हम इसमें कुछ लाल मिर्चों को इस तरह से इसके डंठल को तोड़कर इसमें मिला लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो तीखा खाने वाले लोग हैं इन्हें अच्छे से मिलाकर खा सकते हैं। मसाला और मटन हमारा भूनने लगा है। देखिए किनारों से तेल सेपरेट होने लगा है। इसे भूनते हुए हमें 12 से 14 मिनट हो गए हैं। अब इसी स्टेज पर हम स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला लेंगे।
नमक के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच मीट मसाला डाल देते हैं। क्वांटिटी भी पहले से काफी कम हो गई है, देख सकते हैं। पहले पूरा कढ़ाई भरा हुआ था, अब इसे क्या करेंगे हम, अब इसे हम एक कुकर में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इसके पीसेस बड़े बड़े हैं और मटन बिना कुकर के अच्छे तरीके से पक नहीं पाता है, तो इसे हम कुकर में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड कर लेते हैं। तरी आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ी गाढ़ी या फिर थोड़ी पतली रख सकते हैं, जैसे भी आपकी जरूरत हो। कुकर का ढक्कन बंद करके लो मीडियम फ्लेम पर इसे 2 सीटी आने देते हैं। ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे वरना इसका सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। आप चाहें तो मटन को कुकर में भी बना सकते हैं। ज़्यादा मटन लिया था, करीब 1.25 किलो के करीब मटन था, तो पहले मैंने उसे कढ़ाई में अच्छे से भून लिया, उसके बाद इस तरह से कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आप 250 से 300 ग्राम मटन बनाते हैं तो आप डायरेक्ट कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर मटन हो तो उसे कढ़ाई में भूनें, क्योंकि कुकर में अच्छी तरह से भून नहीं पाता है और वो किनारे से जलने लगता है। फ्राई ना करें वरना ये नीचे से जल जाएंगे, क्योंकि पानी हमने कम डाला। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, खोल लेते हैं इसे। अब इसी में डालेंगे 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। देखिए कितना सुंदर ग्रेवी हमारा बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी मटन तैयार हो गया है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं।